अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये लोग करते हैं रमज़ान ट्रांसमिशन। फहद मुस्तफ़ा साहब की वीडियो लीक हो चुकी है और इस वीडियो में जो करतूत करते ये देखे गए, जिस अंदाज में, जिस हालत में ये देखे गए, वो शायद आपकी आंखें खोल दे कि यह दज्जाली मीडिया किस कदर धोखा दे रहा है इस आवाम को। आपसे लाइक की रिक्वेस्ट है इस वीडियो पर, आखिर तक लाजमन देखिएगा। यहाँ पर देखने को ये मिला कि हाथों पर चढ़ाए हुए कड़ों के साथ और मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल के साथ, कुछ हाथ में लगाई हुई अंगूठियों के साथ, कान में लगाए हुए हेडफोन के साथ ये मोहतरम मौजूद हैं और आवाम को चूना लगाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ना तो इन लोगों ने नमाज़ें अदा करनी होती हैं, ना इन लोगों ने अल्लाह के दीन की बात करनी होती है। बस करना होता है तो सिर्फ़ आवाम के लिए वो गुनाह का रास्ता हमवार करना होता है, जिसके ज़रिए से वो भटक सकें, अपनी तरावियाँ छोड़ सकें, अपनी इफ्तारियों को ज़ाया कर सकें, अपनी सहरियों में वो बरकतें समेटने के बजाय टीवी के ऊपर चलने वाले नाज़ेबा और बेहुदा डांसेस और शोज़ वगैरह देख के अपना वक्त पास कर सकें। तो ये मेकअप करवा रहे हैं औरतों की तरह, और उसके बाद ही तो इनकी खूबसूरती सबके सामने आती है, और फिर औरतें हमारे घरों की और फैमिलीज़ इनके पीछे पागल दिखाई देती हैं, और इनके शोज़ बड़ी दिलजोई से देखे जाते हैं। तो ये हैं दीन के साथ मजाक करने वाले, और इन लोगों से अपनी नस्लों को बचाने की यश ज़रूरत है। इन टीवी ड्रामास से, इन टीवी शोज़ में नज़र आने वाले हर एक के शर से ख़ुद को भी बचाने की जरूरत है। वीडियो शेयर कीजिएगा, हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें।